हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। सबसे पहले तो उन सारे साथियों को बधाई जिन्होंने बीपीएससी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है। किंतु सफलता के साथ साथ आपके लिए जिम्मेदारी और दायित्व भी बढ़ गया है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो प्रारंभिक परीक्षा से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए अगर आप बीपीएससी एपीओ की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। सबसे पहले हम इस वीडियो में इस एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे। इसके बाद विशेष रूप से हम माइनर एक्ट पे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो इस सब्जेक्ट कट ऑफ या एग्रीगेट मिनिमम कट ऑफ की जो संबंधी में जो गाइडलाइन है, जिसके कारण प्रीलिम्स के जो रिजल्ट है उसको लेकर भी कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है, उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो परीक्षा आयोजित की गई थी वो लगभग 553 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें से सामान्य श्रेणी के 225 पद, जिसमें होरिजेंटल रिजर्वेशन जो है महिलाओं को जो प्रदान किया जाता है वो 77 पोस्ट है उनके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 यानी 55 पद हैं और 17 पद उसमें होरिजेंटल रिजर्व हैं। अगर पे स्केल की बात की जाए, क्योंकि कुछ लोगों को पे स्केल को लेकर काफ़ी कोतूहल रहता है मन में, तो पे स्केल लेवल 9 का है। कुल 7 पेपर होंगे। जबकि पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, वो होगा जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन का। 3 घंटे की सारी परीक्षाएं आयोजित होंगी। पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप जब प्रीवियस ईयर का उठा के देखेंगे प्रश्न पत्र, तो आपको पता चलेगा कि जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो बहुत ही सामान्य किस्म की होती है, किंतु चूंकि प्रश्न फैक्चुअल होते हैं इसलिए आपको थोड़ा रट्टा मार वाली काम करना पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि प्रीवियस ईयर का जुडिशियरी का जो जीएस का पेपर है और जो एपीओ का जीएस का पेपर है बिहार इंक्लूडिंग झारखंड, उसे आप ले लें और सबसे पहले उन प्रश्नों की प्रकृति का आराम से अध्ययन करें। लेटेस्ट वाली वर्जन है उसे आप खरीद लें। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो करंट वाले टॉपिक हैं, PIN हो गया, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, उन सारे के लिए आप GK टुडे को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो आपका पेपर है और तीसरा पेपर, वो लैंग्वेज पेपर है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। ये दोनों ही प्रश्न पत्र 100 मार्क्स के हैं, 100 अंक के हैं और इनकी जो प्रकृति है क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि इनके नंबर आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क कितना है? 30%, 30% आपको मार्क लाने हैं। तो आपको हो गए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब हम चलते हैं पेपर जो यहाँ से आपका मेन पेपर है, पेपर 4, IPC इंडियन पिनल कोड 1860-150 मार्क का है। इसके बाद पेपर 5, एविडेंस एक्ट 1872, ये भी 150 अंक का है। CRPC 1973-150 मार्क। ये तो हो गई पेपर 6 तक की बात। अब जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला पेपर है, पेपर 7, ये क्या है? अदर एक्ट्स 150 मार्क्स। अगर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ किया होगा तो यहाँ एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज, जिसको क्रिमिनल लॉ 3 के नाम से जाना जाता है। उसमें इससे संबंधित जितने भी एक्ट हैं ज़्यादातर एक्ट उसमें कवर किया जाता है। अगर आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, अगर आपने इन एक्ट को नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अदर एक्ट में आपको कौन कौन से एक्ट कवर करने हैं। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, आर्म्स एक्ट 1959 और द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908। याद रखिएगा, एक है एक्सप्लोसिव एक्ट, वो है 1884 का, ठीक है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 का पढ़ना है। यानी माइनर एक्ट में आपको कितने लॉ एक्ट पढ़ने हैं? 6 एक्ट पढ़ने हैं। अभी हाल ही में जो इन एक्ट्स में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो 3 एक्ट है,
SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पोस्को एक्ट। तो जो चीज़ें ज़्यादा न्यूज में रही हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। हम SC ST लॉ जो एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसको विस्तार से देखें, उससे पहले जो कट ऑफ को लेकर चीज़ें हैं उसको क्लियर कर देना चाहते हैं। जिस संकल्प पत्र का जिक्र BPSC ने अपने नोटिफिकेशन में किया है, जो कट ऑफ के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन जारी किया है, उसी संकल्प पत्र के जिक्र उन्होंने अपने आधिकारिक जो BPO की नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें भी किया था। उसमें आपको अगर सामान्य श्रेणी से हैं तो जो कंपलसरी पेपर है यानी क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, उन दोनों को छोड़कर शेष अन्य विषयों में, आप देख सकते हैं सीधा लिखा हुआ कि अंग्रेजी को छोड़कर शेष अन्य विषयों में, GS में आपको लाने होंगे GS, एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC और अदर एक्ट। इसमें मिनिमम 40% मार्क किसके लिए? जेंडर कैटेगरी प्लस EWS। याद रखिएगा कि EWS को मिनिमम जो कट ऑफ क्वालिफाइंग है उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं प्रदान किया गया, तो आपको समान श्रेणी के बराबर ही 40% अंक प्राप्त करने हैं। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 6 माइनर एक्ट हैं उन सारे माइनर एक्ट्स को लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ और सुप्रीम कोर्ट को जो उस रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट है उनके साथ आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा कि इस वीडियो पे आपका रिस्पांस किस तरीके का रहता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये एक्ट का नेम हो गया। एक्ट के चैप्टर 1 जो है उसमें सेक्शन 1 और 2, आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 1 होता है जनरली किसी भी एक्ट का, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, लागू कब हुआ? तो सितंबर 1989 को इनेक्ट हुआ, और इनफोर्स कब हुआ? जनवरी 1990 को। लागू कहाँ होता है? जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल नहीं आया था उससे पहले जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड किया जाता था, अब जम्मू कश्मीर भी इसमें इंक्लूड हो गया है। इसके बाद दो जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 वो बेसिकली क्या है, डेफिनेशन क्लॉज है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज को हम इतने अच्छे से देखेंगे कि आपको एक बार में एसोसिएट लर्निंग के तहत में अगर आप मेरे साथ याद करेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो 8 से 10 डेफिनेशन दिए हुए हैं वो आपको साथ ही साथ याद हो जाएंगे। चैप्टर 2 सेक्शन 3 से लेकर 9 तक है, चैप्टर 3 10 से लेकर 13 तक, चैप्टर 4 जो आपका है वो है सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15, यानी दो ही सेक्शन है इसमें। चैप्टर 4A 15A से लेकर 23 तक, यानी कुल सेक्शन बहुत छोटा सा एक्ट है, नाम ही है माइनर एक्ट। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि माइनर एक्ट कभी कभी मेजर घटना कर देता है, बहुत सारे लोग इस पेपर में फेल हो जाते हैं। और इसके बाद आपको शेड्यूल है, और अगर इसके अलावा भी आप चाहें तो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट रूल्स भी है 1995, उसके बारे में भी हम लोग संक्षेप में देखेंगे इस वीडियो के अंत में। यानी कि जब हम इस वीडियो का अंत करने का मतलब कि इस सीरीज जब हम SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जब खत्म कर देंगे तो उसके लास्ट में उस चीज़ को देखेंगे। अब हम संक्षेप में आज इंटरप्रिटेशन क्लॉज करते हैं। सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे कि legislative.gov.in, इससे आप SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के जो लेटेस्ट PDF है, यानी कि 2015 2018 की जो अमेंडमेंट है उसके साथ, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। SC ST के रिगार्डिंग जो आपके भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसे आप देख लेंगे, यानी कौन कौन से प्रोविजंस आपको देखने हैं। 366 जिसमें डेफिनेशन दिए गए हैं उसके 24 और 25 क्लॉज को देख लेना है, जिसमें SC और ST को डिफाइन किया गया है। कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो 300
सॉरी 241 और 242। इसके अलावा आपको क्या देखने हैं, 329 से लेकर जो प्रोविजंस हैं लोकसभा और विधानसभा यानी कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जो एसटी और एससी के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। अब प्रोविजन जब किसी भी चीज़ को पढ़े ना तो हर चीज़ को वहाँ पर ध्यान रखें। अब वो कंबाइंड कैसे होगा, कलेक्ट कैसे होगा, उसे हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा 338 और 338 ए, इन दोनों ही प्रोविजंस को आप देख लेंगे। इसमें क्या है, एससी के लिए कमीशन है और एसटी के लिए कमीशन, दोनों ही कमीशन का जिक्र 338 और 338 ए में किया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 17 को भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। तो ये काम आपको करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेयर एक्ट है उसे निकालकर साथ में जब आप एससी एसटी वाले जो एक्ट है उसका नोट्स बना रहे हैं उसमें इतने आर्टिकल को साथ में मेंशन करना है। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन को। 2A में एट्रोसिटीज है, आपको पता होता है कि अल्फाबेट ऑर्डर में मेंशन होता है, तो एट्रोसिटीज को याद करना तो बिल्कुल आसान है। ए में एट्रोसिटीज है तो 2A एट्रोसिटीज मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन 3, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द दिस एक्ट यानी कि एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। उसमें ऑफेंसेज दिए हुए हैं, उन ऑफेंसेज में से ही एट्रोसिटीज का जो मतलब है वो यहाँ पे मतलब है। कोड का सीधा सीधा मतलब है कि सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब हम यहाँ से आते हैं अपना एसोसिएट लर्निंग शुरू करते हैं जिससे आप इसको चीज़ें याद रहें। डिपेंडेंट किस में है भाई, बीवी में। आज के डेट में कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी बीवी डिपेंडेंट रहे, हर कोई चाहता है कि अर्निंग वाइफ हो, इसलिए उससे आप एसोसिएट करके याद रखिएगा कि बीवी में क्या है। 2BB में डिपेंडेंट को मेंशन किया गया है। अब डिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम हु आर डिपेंडेंट होली और मेनली ऑन सच विक्टिम फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। पत्नी, बच्चे, गार्जियन, भाई, बहन, जो भी पूरी तरह से या मुख्यतः जो विक्टिम है उसी के सपोर्ट पर अगर जी रहे हैं, पल रहे हैं, तो उनको हम डिपेंडेंट की श्रेणी में रखेंगे इस एक्ट के अंदर। तो समझ गए बीवी क्या है, डिपेंडेंट। BC इकोनॉमिक बाईपावर, इस तरह का कोई भी आज के डेट में 21वीं सदी में इस तरह से BC वाली काम आपको नहीं करनी है। तो आपको याद रखना है, क्या आपको किसी भी तरीके से ना लैंग्वेज कुछ भी हो थोड़ा सा रफ हो जाए लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, कि लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहें। तो इकोनॉमिक बाइकआउट नहीं करना है। इकोनॉमिक बाइकआउट का क्या मतलब होता है, इस बेयर एक्ट में इकोनॉमिक बाइकआउट का मीन्स दिखलाया गया, आप इसे 4, 1, 2, 3, 4 क्लॉज है, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद BD, BD में क्या है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड मीन्स द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड एस्टेब्लिश अंडर द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 14 एक्सक्लूसिवली टू ट्राई द ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट। जब हम आगे इस एक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ सेक्शन 14 में देखेंगे। इसके बाद BE में क्या है, फॉरेस्ट राइट, और इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें आपको एक स्पेशल एक्ट पर ध्यान देना है, वह एक्ट है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसके बाद भाई साहब बहुत बेइज्जती हुई है, BF मैनुअल स्कैवेंजर, इससे ज़्यादा BF की बेइज्जती हो नहीं सकती है। तो आप याद रखेंगे BF का क्या काम है, मैनुअल स्कैवेंजर्स। और इतना करने के बाद भी, ठीक है ना, जो आपकी दोस्त है वो पब्लिक सर्वेंट के साथ चली जाती है, आपने मैनुअल स्कैवेंजर का काम किया BF बन के, और वो कहाँ चली गई, पब्लिक सर्वेंट के पास चली गई। तो BF के बाद कौन आता है अगला नंबर, BG पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइन किया गया है याद कीजिएगा, IPC के सेक्शन 21 में, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत क्या आते हैं, एक लंबी सी लिस्ट है, उसे आप एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि IPC में भी पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग कभी कभी शॉर्ट नोट के रूप में पूछ लिया जाता है और पूछा भी है जब आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो।
इसके बाद मैं बता ही चुका हूँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो सी सेक्शन में 2C में, उसको भारतीय संविधान में कहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 और 25 में बताया गया है। स्पेशल कोर्ट मीन्स ए कोर्ट ऑफ सेशन स्पेसिफाइड एज अ स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14, सेक्शन 14 इसी एक्ट का बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाइड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडवोकेट रेफर इन सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट। इसके बाद सोशल बायकॉट को, ये जो एक्ट में अमेंडमेंट है ना जो BF, BG, ये 2015 की जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग जोड़ी गई है। हम तीन चीज़ें हमेशा याद रखेंगे इस एक्ट को जब पढ़ेंगे, तो पहला 2015 का अमेंडमेंट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्च 2019 में कुछ जो प्रोविजंस है उसको क्या किया था, लिक्विडफाइड किया था, उसको थोड़ा कम किया था, तो उन चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। इसके बाद उसको पुनः बहाल करने के लिए पार्लियामेंट में ने जो एक्ट पारित किया उस लेजिस्लेशन को भी देखेंगे, उस अमेंडमेंट को भी देखेंगे। साथ ही साथ फरवरी 2020 में उस लेजिस्लेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में PIL जारी पिटीशन डाला गया था, उस पिटीशन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी और उस लेजिस्लेशन को क्या किया था, अफेल्ट किया था, तो उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा शेड्यूल, EA में शेड्यूल को डिफाइन किया गया है। सोशल बायकॉट EB में है, EBC जानते हैं ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, तो उससे याद रखिएगा कि किसी का चाहे वो कितना ही बैकवर्ड क्यों ना हो उसको सोशल बायकॉट नहीं करनी है। तो बस आपको याद रखना है कि सोशल बायकॉट को किस में डिफाइन किया गया है, EB में। EC में किसको डिफाइन किया गया है भाई, विक्टिम को, और ED में किसको डिफाइन किया गया है, विटनेस को। तो जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है वो काफ़ी अभी चर्चा में रहा था, देखते हैं कि ED हमेशा हर जगह छापा मारते रहता है, तो उसमें विटनेस की क्या होती है, काफ़ी रिलेवेंस होती है। तो आप उससे याद रखेंगे कि ED में किसको डिफाइन किया गया है, विटनेस को। इसके बाद F में कहा गया है कि द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइन इन दिस एक्ट एंड डिफाइन इन द इंडियन पिनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, एज द केस मे बी, शैल बी डीम्ड टू हैव मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दोज इनैक्टमेंट्स। जिन चीज़ों को इस बेयर एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, IPC, एविडेंस एक्ट, CRPC में डिफाइन किया गया है, तो उस एक्ट में उसका जो मीनिंग होगा वही मीनिंग हम यहाँ पे उसको लेंगे। तो ये रहा हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज। कितने आसानी से आपको याद हो गया होगा कि 2BB में क्या है, डिपेंडेंट है, 2ED में क्या है, विटनेस है। EBC को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, सोशल बायकॉट नहीं करना है, तो EB में क्या है, सोशल बायकॉट है। BC में क्या है, इकोनॉमिक बायकॉट नहीं करना है किसी का। तो इस तरीके से जब याद रखोगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत दिन तक चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हम जब अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम चैप्टर 2 यानी कि सेक्शन 3 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। साथ ही साथ में अगर उससे संबंधित कोई इम्पोर्टेंट केस लॉ होगा तो उस केस लॉ को वहीं पे हम क्लियर करते चलेंगे। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।